कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के सभी युवाओं को कोविड रोधी टीका लगाने का अभियान चलाया गया है। उसी कड़ी में आज गोहाना स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों में कैंप लगाकर विद्यार्थियों का टीकाकरण किया गया। इस कड़ी में आज जगत महान न्यूज की टीम गोहाना के पानीपत रोड स्थित होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में पहुंची और टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। वह स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर सुविधा, टीचर, अभिभावक और बच्चों से टीकाकरण अभियान के बारे में बात की। टीकाकरण अभियान के प्रभारी डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा ने जगत महान से बात करते हुए बताया कि होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और छात्रों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने सभी को कोविड नियमों का पालन करने की हिदायत देते हुए सोशल मीडिया पर चल रहे तरह तरह की अफवाहों की ओर ध्यान न देने की बात भी कही। स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर सुविधा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूल में कोविड रोधी टीकाकरण कैंप लगाने के लिए टीम का आभार व्यक्त किया। I am very happy that students are very interested and they are very earnest. I also want them to be safe, secure and healthy. So I feel so happy. हमारे स्कूल के सारे 15 और 18 के बीच में सारे बच्चों का वैक्सीन लग जाए तो they will be safe. I am happy and I pray for their good health. दर्द या पेन वगैरह कुछ फील हुई? नो सर। किसी प्रकार का कोई डर था? नो सर। कोई डर नहीं था। आपका नाम क्या है? पुनेश्वर। कौन सी क्लास में पढ़ते? 10th में। 10th में। तो अभी आपको वैक्सीन लगी है, कोई किसी प्रकार का डर भय कोई नहीं था? नहीं सर, कुछ नहीं था। कोई डर भय नहीं था। उत्साहित थे आप जब पता चला आपको कि वैक्सीन लग जाएगी तो आपको कोरोना से बचाव हो जाएगा? हाँ सर, प्रोटेक्शन के लिए जरूरी था। प्रोटेक्शन के लिए जरूरत था। पेरेंट्स वगैरह ने क्या कहा? हौसला बढ़ाया आपका? हाँ, क्या टीका लगानी चाहिए? हाँ। आप भी उत्साहित थे? यस सर। ओके, आप क्या क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, वैक्सीन लगवा के अच्छा फील हो रहा है सर। यस सर जी। आपका नाम क्या है? कीर्ति। कौन सी क्लास में आप? सर 10th। 10th में आपने वैक्सीन लगवाई? किसी प्रकार का कोई कोई? नो सर, आई एम कंप्लीटली फाइन। देखिए, जब से 3 जनवरी ऑनवर्ड्स हमने जो है 15 प्लस की वैक्सीनेशन शुरू की है तो ये देखने में मिल रहा है कि बच्चों में खासा उत्साह है, किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। इसी कड़ी में जो है हमें ये सफलता मिल रही है कि हम एक ही समय में इतने ज़्यादा स्टूडेंट को वैक्सीनेट कर पा रहे हैं। एक दिन में हमारे 3 से 4 कैंप, खास तौर पे बच्चों की को किसी प्रकार की असुविधा ना हो उसमें ध्यान में रखते हुए कंसर्न स्कूल में ही हम बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। आज गोहाना में जो है हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, वहाँ पर 400 के करीब बच्चे वैक्सीनेशन का उनका चल रहा है कार्यक्रम। इसके साथ ही जो पुरानी अनाज मंडी में गर्ल्स विंग है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर भी बच्चों को वैक्सीनेशन का जो है प्रोग्राम चल रहा है। और आज होली फैमिली स्कूल में भी यहाँ भी काफ़ी संख्या में जो है स्टूडेंट हैं। लेकिन हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि क्योंकि देखो सेंसिटिव मामला होता है बच्चों का, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि भी किसी प्रकार का कोई, अभी जैसे भी कोरोना के मामले लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि भी बच्चे प्रॉपर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क वास्क लगा के और स्कूल में ही आए ताकि किसी प्रकार के बच्चों में किसी प्रकार की संक्रमण की जो है वो उससे बचाव रहे। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से ये ओमिक्रॉन का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है, आंकड़े रोज़ाना डबल के करीब पहुंच रहे हैं जी, तो जी। उसको देखते हुए यानी कि ये अभियान जो है आपने 15 से 18 चलाया, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम 10 जनवरी तक जितने भी हमारे गोहाना ब्लॉक के स्कूल हैं, जितने 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको हम कवर करें। और इसी कड़ी में हमें लगातार जो है हमने जो कैंप की संख्या है वो बढ़ा दी है। विशेष हमारा फोकस जो है 15 से 18 बच्चों के लिए जो है स्कूलों पे है। अब इसके हमारे इसी कड़ी में जो हमारे अगले के आगे जो स्कूल्स के जो प्रोग्राम हैं, जिसमें हम शेरसिंह स्कूल है, JKR स्कूल है, गीता स्कूल है, उनको भी हम अगले 2-3 दिन में कवर अप कर देंगे। और हमें उम्मीद है कि हम 10 तारीख तक जो है अपने जो ब्लॉक के जो बच्चे हैं 15 से 18 साल के जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको हम कवर करेंगे। और जहाँ तक ओमिक्रॉन के केस की बात है, देखिए तो सब संभावित है कि भाई केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। हम सोनीपत की बात करें तो कल भी 130 के अराउंड केस जो रिपोर्ट हुए हैं। गोहाना में हमारे जो 12 केस थे वो अभी स्टेबल कंडीशन है, किसी को भी अभी तक हॉस्पिटल की जो कंडीशन ऐसी नहीं आई कि भी उनको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़े।
और एक ये जो गोहाना ब्लॉक के लिए जो अभी तक हम कह सकते हैं भाई कंट्रोल में है सिचुएशन। और मैं फिर भी लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने जो जितने भी कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने और जितने भी एज ग्रुप के जो भी आपको मान लिया आप जैसे 10 जनवरी से जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि भी जिनको 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं उनको बूस्टर डोज लगेगी, तो बूस्टर डोज के लिए भी आए। हमें उम्मीद है जैसे जिस तरह से बच्चों में उत्साह देखने को मिला है कि इतने कम समय में जो हमने इतने सारे बच्चे कवर अप कर दिए हैं, तो जिस भी एज ग्रुप का वैक्सीनेशन शेड्यूल जारी हो तो अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और ख़ास तौर पे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी जो है अनुपालना रहे। डॉक्टर साहब एक सोशल मीडिया पे कोई मतलब विजुअल या कुछ ऐसी चीज़ें वायरल हो रही हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे, वो संशय पैदा करती हैं? देखिए नो डाउट जब सोशल मीडिया का ज़माना है इसके कुछ लोग इसका जो है नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं उन बातों में न जाके जनता से यही है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अवेयर हैं, वो जागरूक हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी खाली भारत में है, ये तो जो एक वर्ल्ड लेवल पे जो इसका प्रकोप चल रहा है और हमने देखा भी है। और जिनको कोरोना हुआ है ठीक है वो इस स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि इस बीमारी से किस तरह से शरीर प्रभावित होता है। तो जितने भी ये नकारात्मक जो चलते हैं सोशल मीडिया पे कैंपेन, मैं चाहूँगा कि जनता जो है अपनी खुद की जो है सोच से खुद की अवेयरनेस से जो है ऐसे इन बातों को अवॉइड करे। और मुझे लगता है कि भी हमारी जो जनता है वो अवेयर है, वो इस तरह की बातों में नहीं आएगी। जी आज आप होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचे हो, यहाँ पे स्टाफ के द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं आपको पाई गई और अभिभावकों से भी आपने बात की है तो किस तरह का उनके मन में? देखिए अभी मैंने जब यहाँ वैक्सीनेशन का भी सुपरविजन किया है तो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से होली फैमिली जी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जो टीचर हैं बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। अलग से काउंटर है रजिस्ट्रेशन का ताकि बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। एकदम से सभी बच्चों को नहीं कॉल अप किया जा रहा है, उनको जो अपने कंसर्न्ड जो क्लास में हमारा बैठाया हुआ है धीरे धीरे करके दो दो बच्चों को बुलाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो उल्लंघन ना हो। और उसके बाद वैक्सीनेटर है वो अलग उसका एरिया है, बीच में जो ऑनलाइन अप्रूवल के लिए बैठे हुए हैं उनका अलग एरिया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसी तरह की व्यवस्था मैं चाहूँगा कि भी और स्कूल भी इसी तरह से व्यवस्था करें ताकि बच्चों में किसी प्रकार की कोई इस तरह का संकोच ना रहे और पेरेंट्स भी इस चीज़ को जो है पॉजिटिव वे से लें कि बच्चों में जो हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वो जो है वो सेफ हैं बिल्कुल। जगत महान न्यूज से गोहाना के होली फैमिली से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।